बिहाने 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 देवरा हमारे गवार पढ़ाई पोती मनोहर अरे तू हमरा के ये बताओ कि तू एमए पढ़ल बड़ू तू डॉक्टरिनो हो कौन कौन तू गईबो कर लो तना बढ़िया का बात बड़ा सवेरी टाइम हो गइल बा एहिसे तो पढ़े लिखे पर हमर विशेष ध्यान रहेला पढ़े लिखे के बात पर एकरा पर बात करब रउआ सभे के बिहाने बिहाने प्रोग्राम के साथ हाजिर बानी अपन नमस्कार लेके विजया भारती के नमस्कार हमरो प्रणाम बटे सब लोग के अब जरा इनका समझाए कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देस सवेरे सवेरे पढ़ाई लिखाई के बात मत कर तू हमरा से पढ़ाई लिखाई के बाद सवेरे से लेकर रात तक चलेला पढ़ल लिखल बहुत जरूरी बा और आज हम तहार लेव जौन मस्ती चढ़ल बा ना ऐसन करब सख्ती की सब मस्ती भुला जेब ये भौजी देख तू पढ़ल बड़ू हमरा पढ़े के का जरूरत बा घर में एगो हमर भौजाई पढ़ले बिया एमए पढ़ल बिया हमरा चिट्ठी पत्री कुछो के जरूरत नहीं के पढ़े आज हम तहरा लगी लेवले बानी मनोहर पोथी है ल पढ़ ये मनोहर पोथी हाँ पकड़ हम इस पोथी होती से देखा सवेरे सवेरे मूड मत खराब करो पढ़ाई देख खाना खा नहाव धुआव कस के बांध ल धोती अब पकड़े पड़ी मनोहर पोथी बाप रे बाप ये पढ़ाई लिखाई छोड़ा भौजी आगे के काम देखल जाओ बस हटाओ आगे के काम का जैसे ना होई तहार बुद्धि खोलल बहुत जरूरी बा पढ़ाई से तू काहे इतना भागता रहो ये बड़ा बोर वाला काम बटे सब छोड़ो हमरा के खियाओ पियाओ बढ़िया से प्रोग्राम में आ गई होगा दिखाओ हमरा के का करें खाली खाना पीना और कोनो बात ना हीरोबाजी करना अपना आपके अपने मन में हीरो समझना इनकर आदत बा अरे हीरो बानी हम देखा तो कितना बढ़िया रउए सब बताई पढ़ल लिखल जरूरी बाकी ना बिहान भइल लइकन सब स्कूल गइल बस्ता कंधा पर ले लेके सब केहू अपन काम काज में लागल ऑफिस जाए वाला लोग सब ऑफिस गइलन इनका कोनो काम नहीं खे सिवाय हमरा तंग करे अच्छा प्रोग्राम करके हम जाएं पढ़े खातिर ठीक पक्का हाँ पक्का आ इनका बुद्धि ठीक करे खातिर हाँ। बहुत जरूरी बा कि अब हमनी के योगा देखल जा सुनील जी से देखत हनी योगा बहने बहने देखे सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार आज हम आपके बताए माइग्रेन यानी आधा सीसी सरदर्द यानी आधा सरदर्द कई बार देखल जाला महिलाओं में विशेषकर 10 में से 5 महिला के प्रॉब्लम रहे एक दो कारण होला शारीरिक और मानसिक मानसिक कारण का होला कि हिंदुस्तानी समाज में का होला महिला के जब भी प्रॉब्लम होला वो कब वो अपना प्रॉब्लम केहू के बताई ना मनी मन रखी उसे का होला कुंठाओं के लहर लेयर बन जाला मतलब एक के बाद एक कुंठा जमा हो गया वो करके भी कई बार माइग्रेन की प्रॉब्लम होला ओकर अलावा शारीरिक कारण में का होला शारीरिक में का होला भाई कॉन्स्टिपेशन हो तो कॉन्स्टिपेशन से कहा गैस बनी मतलब कब से गैस बनी सर पे चढ़ी तो आपके सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाए कैसन योग करल जाए कैसन श्यास थेरेपी करल जाए जैसे आपका ये जो प्रॉब्लम हो दूर हो जाए जिनके भी माइग्रेन के प्रॉब्लम हो ये पर्टिकुलर भाग है इनके आपके रोज कम से कम 1 से 2 मिनट एक रोज दबा रखें दोनों हाथ का एक बात तो यही है उकरे अलावा हम आपके बता बताएं ताली योग जब भी आपके माइग्रेन जिनके प्रॉब्लम हो ताली योग बहुत अच्छा होगा
तालियोग में का करल जाला, बहुत सिंपल टेक्निक है तालियोग। अगर आपके माइग्रेन लगा, आपके लगा था आपके माइग्रेन कब्ज के कारण होता, तो आपके ये पर्टिकुलर दिखा तालियुग में कैसे करे के, तीनों जन पॉइंट होगा यहाँ यहाँ ये पर्टिकुलर भाग के आपके हिट करे के, उससे माइग्रेन दूर हो जाएगी। उसके अलावा हम आपके योग बतावत हैं। योग में क्या करा जाला, पहला आसन जो हम बतावत हैं वज्रासन, बहुत सिंपल आसन है। जब भी आप खाना खाएं आप वज्रासन का अभ्यास करें। जब भी जोन खाना आप दोपहर का खाना खा के आपके वज्रासन का अभ्यास करे के चाहे, रात का जब खाना खाते हो उसके बाद अभ्यास करे के चाहे। ये योग में पहला आसन है जो आप खाना खाए के बाद कर सके, वज्रासन कर लें। उसके अलावा दूसरा हम आपके बतावत हैं यमन का होला, शशांक आसन होला। आपका जो मुद्रा रही वज्रासन जैसे रही, आपके करे के कहा लंबा गहरा सांस भरे के है और धीरे धीरे आपके नीचे झुके के, और जो आपके फोरहेड हुई जमीन के टच करे। कहलाला योग में शशांक आसन। शशांक आसन आपके कम से कम 3 से लेकर 5 बार एक प्रैक्टिस करे के, जिनके लोअर बैक का प्रॉब्लम हो उनके बदे वर्जित है। गर्भवती महिलाएं अप टू 6 मंथ एक अभ्यास कर सकें उसके बाद नहीं। लेकिन जो पहला हम वज्रासन बतौले हैं, वज्रासन आपके रोज कम से कम 3 से 5 मिनट जरूर कर अभ्यास करे के चाहिए। आपके लगत है कि आप वज्र अनुसार ना बैठ पावत हों, तकिए का सपोर्ट कर रख सके नहीं, तकिए का सपोर्ट रख सके ना, ऐसे भी आप देखें कि आपको जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। उसके अलावा जब भी आपके समय मिले आप शवासन का अभ्यास करें। शवासन का अभ्यास से क्या हुई, जो मानसिक तनाव होना धीरे धीरे कम हो जाए। शवासन में आपके बस ये फील करेगा कि जो हमारा बॉडी है मृत्यु समान हो गया, हमारा जो शरीर है मृत्यु समान हो गया। आप फील करिए धीरे धीरे जो स्ट्रेस अलग अलग जगह में जुड़ जमा हो गया वो धीरे धीरे दूर हो जाए। अगले प्रोग्राम में हम किसी और विषय के बारे में आपके बताएं, आप सभी हमके एक बार इजाजत दें। आप सभी लोगों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। तो योगा देख के हमरा बुझाता कि रउआ सभे में ताजगी भर गई होई जैसे हमरा में भर गई बा, और इनका जरा पूछा था नहीं कि बुद्धि उद्धि खुलल कि ना। बुद्धि खुल गई, लेकिन बुद्धि और खुली हमार। कैसे और खुली? तनी लयबाजी हुई तब ज्यादा तनी बुद्धि खुली। हम तो लयदार हई, ऐसे लय के हमारा बीमारी मरले बटे, लकवा मरले बा। ऐसे ई बताओ कि आज के लयदारी में केकरा के बुलाओ तड़ू? बिना गीत संगीत के इनकर कोनो उपाय नहीं खे। कतनो हम इनका गीतो सुना के सोचत आने की पढ़ाई के तरफ ध्यान ले जाएं, लेकिन कोई असर होवे वाला नहीं खे। अब गीत सुना ही के पड़ी तो हम अहू पहले से इंतजाम कर के बैठल बानी। माफ कैदा सैया राउल पैया परत बानी, माफ कैदा सैया राउल पैया परत बानी। अरे रतिया के झगड़ा पुरान हो गइल, जाग जागे बलमुआ बिहान हो गइल, जाग जागे बलमुआ बिहान हो गइल, जाग जागे बलमुआ बिहान हो गइल। माफ के दसैया राउर पैया परत बानी, माफ के दसैया राउर पैया परत बानी। रतिया के झगड़ा पुरान हो गइल, जाग जागे बलमुआ बिहान हो गइल, जाग जागे बलमुआ बिहान हो गइल। लेले तकनिया पे फरसा कुदरिया, रात भर पानी पड़ल भर गईल खेतवा। लागिया सोक खेती, अरे लागिया सोक खेती, जियान हो गईल, जाग जागे बलमुआ बिहान 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 हो गईल। जागी जागी है दर्शक लोग, बिहान हो गई और हमार कार्यक्रम बिहाने बिहाने शुरू हो गई, और कितना बढ़िया जगावे वाला गीत लेके आयल बारन आज हमार भोजपुरी कलाकार श्री हरिशंकर तिवारी जी। तिवारी जी
राउर बहुत बहुत स्वागत बा एक कार्यक्रम में। हमरा भौजी के तरफ से प्रणाम बा, हमरो तरफ से ढेर सारा प्रणाम बटे रुआ के। तिवारी जी इतना बढ़िया गीत रुआ सुनौनी है सबसे पहले, तो आगे और गीत तो सुने के मन करवे करे हमरो इनकरो सबके और इनकर खास करके। लेकिन ओकरा से पहले कि और आगे गाना वाना के बात होके, दर्शक लोग चाहे कि रुआ अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से बानी। हमार घर बाटे आपके चंदौली में, केशवपुर गांव बाटे, उत्तर प्रदेश जी, यूपी से। और हम बचपने से सम्भलने गावत रही, तो घर से सभी लोग का इच्छा भई रहल और कि नहीं गाना गावला, तो मेरी मातृभाषा पर लोग गीत गावत 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 और आज तक गावत बाड़ी सम्भल नहीं। तो परिवार में और क्यों गावत रहे? हमारे जो मामा जी गावत रहे सम्भल नहीं। अच्छा, सीखो कहीं नहीं रहा? हाँ, मामा से थोड़ा बहुत सीख ली और सीखले के बाद समझ लें कि कहा कि चंदौलिया में गुरु जी रहलन हमारे स्वर्गीय राम जी पाठक जी। अच्छा अच्छा। तो हम गावत गावत कुल अपना मंच पे गावत भी अपना रही, जहाँ जहाँ जाए तो लोग खुश हो हमें। यहाँ आवे से पहले रउआ बारे में पता लागल है कि रउआ के कौन उत्तर प्रदेश स्तर पर कौन पुरस्कार? जी जी जी। तो स्कूल में गावत अपना रही समझ ली हम। अच्छा। तो स्कूल अपना कॉलेज में तो हमरे तो बाबू जी रहलन समझ लें, तो पहले उस संगीत के भी प्रति भी उनकर भाव रहल, तो फिर उस स्कूल में जब टॉप कैली तो सबके अपना घर में इच्छा हुआ कि नहीं यहू अपना गाना वाना गावे, तो हम फिर गुरु जी स्वर्गीय राम जी पाठक जी के यहाँ गेली, फिर वहाँ से हम संगीत भी थोड़ा बहुत सीखे लगी समझ लें। तो फिर कैले के बाद आज धीरे धीरे आपके समझ गए, पढ़ाई लिखाई कैलन, स्कूल गेलन, कॉलेज गेलन, टॉप कैलन, तब संगीतों के रास्ता खुलन। अच्छा, बिल्कुल। भैया एक बात, जैसे हरिशंकर तिवारी जी मतलब कि उत्तर प्रदेश में बचपन के बात बाटे, मैंने स्कूल के समय के बात जी, जी, हाँ। कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मैंने अवार्ड मैंने सम्मान मिला हुआ हुआ स्कूल में जी, जी। लेकिन उकरा बाद जब हरिशंकर तिवारी जब मैंने सियान हो गए, जब फेमस होके लगले, तो बहुत जगह हम देख लहूँ बने से सुन लहूँ बनी कि मनोज तिवारी जी रुआ काफी प्रोग्राम के लिए बनी, तो उस बारे में कुछ बताई हमने के जी। मनोज तिवारी भैया के साथ में हमारे बहुत ही बड़े भैया हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, और भैया के सानिध्य में एक हंसलो हंसालो कार्यक्रम था। अच्छा जा। और बनारस में सारनाथ में कार्यक्रम था। अच्छा। तो हम और भैया के साथ हम लोग पूरा किए थे उस कार्यक्रम। अच्छा। को चलते चलते रुआ इनका सब खातिर और इनका अलग। देखो कौन भैंसिया वाला गीत रह रहा पानी में। हाँ, वो गीत सुनाए। बुढ़ऊ जैसन लागत बाटे बचवा भरल जवानी में, बिना दहेज न शादी करी है, बिना दहेज न शादी करी है, गई भैंसिया पानी में, बिना दहेज न शादी करी है, गई भैंसिया पानी में। लिखे में गोबर हूँ, नाम है इनकर पप्पू, अरे नाम है इनकर पप्पू, बार बढ़ा के चौचक मांगे सनसिल वाला शैम्पू, अरे सनसिल वाला शैम्पू। इतने नहीं भैया, अरे चल तैसन हिले कमरिया, जैसे पेड़वायानी में, बिना दहेज न शादी करी है, गई भैंसिया पानी में, बिना दहेज न शादी करी है, गई भैंसिया पानी में। पढ़े लिखे में गोबर पतली कमरिया लचके, तू कहला कि बिना दहेज न शादी करे, दहेज बिना दहेज के इनका शादी होबो करेगी ना? यो दहेज दिए तो होई कि ना? अच्छा, ई सब फरियाम तरह से पहले परगरामा खत्म हो जाए। अरे शंकर जी रवाइनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आवे के वादा करें।
जब बुलावल जाहिर हुआ आई चले हम आए समझ ले जरूर आई जी 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 तो बिहाने बिहाने कार्यक्रम में कर फिर से आवे के बाद फिर से भैया भैया का ये बढ़िया लगल है नहीं है तो का लगल है बिहाने बिहाने में कौन चीज सबसे बढ़िया लगल है बहुत बढ़िया भी लगल कि आप घर जी हमने के बाटे और कार्यक्रम आप देखावत बानी उस समझ ले कि बहुत ही बढ़िया भी लगल आप हम यहाँ अली और जान लें कि ये जो मिट्टी का धरोहर बा समझ लें ये सब गीत सुने के मिलत कहाँ बाटे समझ लें और ये चीज बहुत ही कम पावल जला समझ लें और आपके हम देखे के भी मिलल और गावे के भी मिलल हमें और बहुत बहुत हमें भी धन्यवाद बा तो अब गीत संगीत से तो मन हरियर होइए गईल होई रहुओ सबे के और का हो गीत तहरा पर एकदम फिट रहे कि ना ना हमरा पर फिट ना रहुओ वो बहुत लोग बाटे वो देखा था लो टेलीविजन वो लोग पर में से किन्हों जाना पर फिट हुई उनका पर केकरा पर फिट बा तो हमरा नहीं खे मालूम लेकिन तहरा पर तो बढ़िया से फिट बा दिन रात तोहरे साथ तो हमार माथा ठोकाई चला था ठीक बा तो ई पपुआ अब चाहता घूमे के कहीं एकदम पपुए रह गईलन एकदम सही नाम अपने से अपन धा लेलन पप्पू कहत रे तो पप्पू हमरा बढ़िया लगता कितना पप्पू लो देखा था टेलीविजन तो चली पप्पू लो पप्पू कहियो पासो होई कि ना एकर कोनो उम्मीद नहीं के अच्छा कहां लिया चल तड़ू अब चली कहीं घूमे फिरे चला तानी तहरो ले चला तानी और वो सब तैयार रही ले अब बारी आ गेल बा भौजाई के साथे चले के घर में बैठल बैठल कोनो यात्रा पर भारत के गौरवशाली प्राचीन शहर अपने आप में एक सभ्यता के सूत्रधार बा पटना से लगभग 88 किलोमीटर दूर पर मौजूद बा नालंदा प्राचीन काल में नालंदा बौद्ध शिक्षा के केंद्र रहे नालंदा में बा विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जहां कबो चीन जापान श्रीलंका बर्मा और तिब्बत से छात्र आवत रहले यहां से नागार्जुन शिलभद्र आर्यदेव और पद्म संभो जैसन महान पुरुष शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान के प्रकाशित कैले गुप्त वंश के प्रभावशाली सम्राट समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त यहां अनेक विहार और मंदिर बनैले लेकिन समय बदल गए 1205 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी एकरा के किला समझ के ध्वस्त कर देले और यहाँ भेल अग्निकांड में सभी बौद्ध धर्म के किताब जल के राख हो गई यहाँ के स्थिति बदल गई और धरोहर घना जंगल में बदल गई ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कानिंगहम इस जगह के दोबारा खोज ली और दुनिया के सामने एकर अस्तित्व के पेश कैले जैसे आज फिर से नालंदा एक अनूठा ऐतिहासिक धरोहर बन गई बा नालंदा के सबसे अनूठा इमारत हो सारिपुत्र के स्तूप सारिपुत्र महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य रहले बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सारिपुत्र के जन्म नालंदा में भइल बा और उनका निर्वाण भी यह जगह पर प्राप्त भइल निर्वाण के जगह पर पहले एगो छोट स्तूप रहे बाकी जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अपनौले उकरा बाद यहाँ मंदिर के निर्माण करवैले स्तूप पे चढ़े खातिर सीढ़ी बनावल गईल बा कहल जाला कि स्तूप के नीचे सारे पुत्र के अवशेष दबल बा नालंदा के खंडहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बा शानदार रेंगसोंग स्मृति भवन ई भवन चीनी यात्री रेंगसोंग के स्मृति में बनाया गईल बा वेनसांग के अस्थि कलश चीन के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के धरोहर के रूप में प्रदान कैले जिकरा के यहाँ स्थापित कैल गैल बा यहाँ इनकर अनेक चित्र बनावल गैल बा जौन देखे में बहुत अद्भुत लागेला
एकरा पास ही बा थाईलैंड सरकार द्वारा बनाईल गईल खूबसूरत थाई अंदाज के मंदिर। ई मंदिर के द्वार पर बड़ा भव्य तरीका से बौद्ध परंपरा में पवित्र जीव और अन्य चिन्ह बड़ा ही खूबसूरत ढंग से उकेरल गईल बा। ई मंदिर में प्रवेश करते लौकेले उ भव्य मूर्ति जौन यहाँ के स्थापना करे वाला भिक्षु जगदीश कश्यप के हौ। मंदिर में भगवान बुद्ध के कांच धातु और अनेक तरह के मूर्ति स्थापित कैल गेल बा। मंदिर के दोनों तरफ थाईलैंड के राजा और रानी के चित्र भी लगावल गेल बा। ई मंदिर में भिक्षु थाई परंपरा के पालन कर पूजा पाठ करेले और नालंदा के बीतल इतिहास के याद दिलावेले। हमरा उम्मीद बा कि सब लोग बैठल बैठल बड़ा मस्ती कैले होई घर में अपना बड़ा मजा आइल हो घूमे में। हमरा तो खूब आइल। हम तो जानते बड़े सब के बारे में हम निश्चिंत बानी सबके अच्छा लगेला। अच्छा उ लोग बैठल बलो एगो और उ लोग को उम्मीद बटे चिट्ठी के कि चिट्ठी भौजी चिट्ठी पढ़िया अबे वो जानते रुक ना। अरे ए भौजी हेने देखा हमरा का और पूरा टेलीविजन पर जितना लोग प्रोग्राम देखे थे सब लोग तारा के भौजाई ये कहा था टी। अब केहू ना तारा नाम से नहीं के कहा था। अरे नाम हमारा नाम अपना जगह पर बाहु भौजाई हम तहार बनी। अच्छा ठीक बा ता एमे पढ़ल भौजाई जल्दी तू पढ़ के सुनावा चिट्ठी। ये चिट्ठी बा विक्की के बक्सर से विक्की कुमार। अच्छा का लिखत अरे। नमस्ते हम गया के रहे वाला हई। हम नित्य दिन रउआ लोगन के नोक झोंक देखत आनी। देख तहरा चलते बदनामी होबे करी रोज झगड़ा रोज झगड़ा। नित्य रउआ सब के नोक झोंक देखत आनी। हमार भौजाई से 2 महीना से बोलचाल बंद रहे लेकिन रउआ लोगन के बीच के प्यार देख के हमू अपन भौजाई से प्यार से बतियावे लगनी। अरे वाह वाह देख लो बड़ाई होता ना हमार सब लोग के बीच। तहार न हमार बड़ाई होता प्यार तो हमरा में बा तहरा में तो खाली लड़ाई है बा। अच्छा ठीक बा तो चल आओ चिट्ठी के अथी बताओ। विक्की जी बहुत बहुत रउआ के बधाई कही की भौजाई से बातचीत शुरू हो गई ला सही चलेला प्यार भरल रिश्ता में लड़ाई जूठन मनवा। एकरे साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़े तो हमरा आज जो बुझाता नुस्खा इनका बीमारी तो इनका हजार गो बतावन। ए डॉक्टर इन बिना पीस के डॉक्टर इन तुम्हारू बता दो हम जानते नहीं कि आजू आज... के रोगवा हमरे पर तू सटबू बताओ करके तो रोग भी और उपाय भी बताओ। तो आज जो बहुत जरूरी इलाज बा तो ई बा कि दिमाग तेज करना बहुत जरूरी बा हर आदमी के। हाँ, हमार तो दिमाग तेज बा जेकर बता दो जेकरा पढ़े लिखे अपना मन के बहुत मुन कान दिपुआ नाम एगो कहावत बा न अपना के हीरो एकदम समझे ला। हाँ, हीरो ते लेकिन अगर कतनो हीरो भगवान चेहरा में दे दे हीरो बाजी बन जाए लेकिन अगर दिमाग में ताकत ना रही तो सब हो जाला टाइ टाइ फिस। ए चलते दिमाग तेज करे खातिर बहुत जरूरी बा पिस्ता अगर खाई रात में दूध में भिगा के फुला के अब बादाम पिस्ता तो बहुत दिमाग तेज हो जाला। चलो हमारा दिमाग सोचता नहीं कि बहुत अभी तक ऐसे हीरो बनी तो हीरो मने का हीरो मने सब काम में हीरो तो इस दिमाग की और बढ़ाए हम काल से शुरू कर देते नहीं पिस्ता बादाम खाए के मुना कान दिपुआ ना मुंह हीरो सन रहला से का होई। तू बड़ी जानलू बुढ़न का फिलहाल देखिए हमने के टाइम हो गेलो प्रोग्राम खत्म करे के डर के मारे भागे के तैयारी। अब चला सब लोग के प्रणाम चल जावा चल जा। तो आज हमार समय कहता कि एजे रुका सबके कामकाज पर जाए के बाद कल यही समय में मुलाकात हुई बिहाने बिहाने कार्यक्रम में यही समय में यही घड़ी इनके साथ में। तब तक खातिर विजया भारती के हम अजीत आनंद के नमस्कार।